देखिए पूर्वांचल की बात हुई तो पूर्वांचल में दो चीज़ें ज़रूर बहुत मशहूर रही, पहले तो मच्छर और उनसे जनित बीमारियां, दूसरी माफिया बहुत हम लोग सुनते हैं चर्चा बुलडोजर के, तो मुझे लगता है कि अब अगर उनको ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत हो तो आपसे ज़्यादा बेहतर तो उनके पास कोई है भी नहीं। लेकिन माफियाओं का पिछले कुछ दिनों से जब से आपने रिपेयरिंग को भेजा है तब से कुछ कुछ मुंडियाँ निकलने लगी हैं, कुछ कुछ आप बयान भी सुनने लगे हैं, तो इस बार क्या नया आयाम जुड़ने वाला है आपका? देखिए मच्छर और माफिया ये दोनों स्वस्थ समाज के सबसे बाधक कारकों में से हैं। एक व्यक्ति को अस्वस्थ करता है, दूसरा समाज को अस्वस्थ करता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में इन दो बड़े बैरियर थे और मच्छर की समस्या का कमोवेश समाधान हुआ है स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से और शासन की अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से। डबल इंजन सरकार ने जो कार्य किए हैं प्रभावी ढंग से, केंद्र और प्रदेश सरकार ने अपनी योजनाओं को जमीनी धरातल तक पहुंचाने का जो कार्य किया है उसने मच्छर की समस्या का काफ़ी हद तक समाधान किया है और माफिया का समाधान भी बेहतर कानून व्यवस्था के माध्यम से किया गया है। हमने अगर कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे तो कार्य करेंगे, कोई संदेह नहीं। अगर किसी को गफलत में है कि चुनाव आ गए हैं तो अब वह कुछ भी कर ले, ये संभव नहीं है। कानून का राज ही होगा और कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार नहीं देगी। ये सच है 4.5 वर्षों तक ये माफिया दुबके हुए थे। इलेक्शन की नोटिफिकेशन के बाद ये अपने बिलों से रेंगते हुए दिखाई दिए हैं, आते हुए बाहर आते हुए दिखाई दिए हैं और बहुत सारी जगहों में इनके वीडियो जिस तरीके से वायरल हुए हैं, धमकी देते हुए वीडियो वायरल हुए हैं, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने भी उसको संज्ञान में लिया है, कार्रवाई की है। अगर सुधरे नहीं तो व्यवस्था उनको स्वयं सुधार देगी। मतलब आप करेंगे 10 मार्च के बाद उत्तर भारत में गर्मी बढ़ रही होगी लेकिन आप गर्मी निकाल रहे होंगे? मैंने कहा ना ये तो व्यवस्था स्वयं उनकी गर्मी निकाल देगी। इन 5 सालों के अपने कार्यकाल के दरमियान कोई ऐसी योजना जो आपको लगती हो या कोई ऐसा क्षेत्र जहां आपको लगता हो कि यहां सबसे बेहतरीन काम हुआ है, इससे मैं सबसे ज़्यादा संतुष्ट हूं? जैसे जब हम क्षेत्रों में जाते हैं तो मुफ्त राशन और मकान के लिए जो आर्थिक मदद है वो लोगों को लगता है कि हमें एक बड़ी राहत है, आपको क्या लगता है? देखिए भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार ने हर एक क्षेत्र में बेहतर करने का पूरा प्रयास किया है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में 2 इशू बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसको लेकर के हर गांव में चर्चा होती है। एक सुरक्षा का बेहतर माहौल, 5 वर्ष में कोई दंगा न होना, 5 वर्ष में प्रदेश के अंदर भयमुक्त वातावरण बनना, पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाना। तो ये जो शांति और सुरक्षा का बेहतर माहौल हुआ है एक तो ये मुद्दा है। दूसरा प्रधानमंत्री मोदी जी के भावनाओं के अनुरूप गरीब कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। आप सोचिए उत्तर प्रदेश में 43,50,000 से अधिक गरीबों को एक एक मकान मिला है, हर धर्म हर जाति के बिना भेदभाव के। 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय मिला है। 1,21,000 गांवों में बिजली पहुंचाई गई, मजरों में बिजली पहुंचाई गई और 1,43,00,000 परिवारों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन मिले। 1,67,00,000 गरीबों के लिए रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन दिए गए। 15 करोड़ गरीबों को हम कोरोना कालखंड में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। 10 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से
₹5 लाख सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवा रहे हैं। यानी ये योजनाएं हैं जो हर एक व्यक्ति के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनती है बिना भेदभाव के। इसमें जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा नहीं देखी जा रही है। जो ज़रूरतमंद है उसको इस योजना का लाभ मिल रहा है। बल्कि आज़ादी के बाद बहुत सारे ग्रुप ऐसे थे जो उपेक्षित थे, जिनको कभी किसी सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया था, पहली बार उनको योजना का लाभ मिलता हुआ दिखाई दिया है। इन भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार के समय बनटांगिया है, मुसर है, कोल है, थारू है, इन सभी जातियों को पहली बार इन योजना का लाभ मिलता था।